इंदौर से रायपुर आई एनसीबी की टीम ने नशीला मार्फिन पाउडर के साथ दो नशेड़ियों को गिरफ्तार किया। दीप्ति रानी भारद्वाज और संदीप चंद्राकर को एनसीबी की टीम ने रायपुर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। इनके पास से 4 ग्राम मार्फिन पाउडर जब्त हुआ है। बता दें, एनसीबी की टीम इंदौर से ही इन आरोपियों को ट्रैक कर रही थी। एनसीबी की टीम ने दोनों आरोपियों को देवेंद्र नगर थाना पुलिस के हवाले किया, मौके का जायजा लिया। हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन ने में अब एनसीबी की टीम जो है वो राजधानी रायपुर पहुंच गई है और राजधानी रायपुर में दो लोगों को ड्रग्स के साथ जो है गिरफ्तार किया गया है। मॉर्फिन ड्रग जो है उनके पास से बरामदगी की गई है। देवेंद्र नगर थाना पुलिस को जो है पूरा ये मामला सौंपा गया है। एनसीबी की टीम जो है वो राजधानी रायपुर पहुंची हुई थी और फिलहाल जो लिखा पड़ी की कार्रवाई वो की जा रही है। दो आरोपियों को जो है यहाँ पर गिरफ्तारी किया गया है, एक महिला है और एक उसके साथ पुरुष है। इन दोनों ने के पास से 3 ग्राम मॉर्फिन ड्रग जो है वो भी बरामद किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें, ये लोग पार्टी करने के लिए गोवा जा रहे थे, जिसको लेकर के ये रायपुर पहुंचे हुए थे। इंदौर की टीम इन लोगों ने इंदौर से जो है ये पूरा ड्रग्स को जो है यहाँ पर खरीदा था। इंदौर से ड्रग्स खरीदने के बाद बताया जा रहा है कि जो आरोपी है वो रायपुर पहुंचे हुए थे और ड्रग्स खरीदने के बाद इसे गोवा ले जाने की फिराक में थे और रायपुर के मारुति कोरियर सर्विस जो कि एयरपोर्ट के पास स्थित है वहां से जो है इसे कोरियर किया जा रहा था। इसी दौरान एनसीबी की टीम इंदौर पहुंची और इन्हें इंदौर से रायपुर पहुंचकर एनसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया। देवेंद्र नगर थाना पुलिस को पूरा मामला सौंप दिया है और आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही। फिलहाल FSL के पास भी जो मादक पदार्थ जब्त किया गया उसे भेजा गया। कैमरामैन गुपेन के साथ मोहम्मद हसन, NH24/7 रायपुर। कल शाम को एनसीबी की टीम हमारे पास दो आरोपी लोगों को लेकर के आती है कि ये जो है ड्रग को यहाँ से कंज्यूम करने के लिए पार्टी के रूप में रायपुर से गोवा भेज रहे थे और उन्होंने इसमें बताया है हमें और हम इसके बारे में मामले का अपराध पंजीबद्ध किए तुरंत के तुरंत, क्योंकि ये जो मामला है ये सेक्शन 8 और 22 NDPS एक्ट को अट्रैक्ट करता है और उन्होंने जो हमें सामान दिया हमने उन्हीं से जब्त किया है और कार्रवाई शुरुआत की उनके द्वारा की गई है। उसके बाद से हम आगे की विवेचना कर रहे हैं।